नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नजर इधर के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम उन सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से होता है और जनता के हित में ही शासन प्रशासन यानी कि जिम्मेदार और सरकार से पूछते हैं सवाल। सबसे पहले बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां बुरहानपुर में पट्टा नहीं मिलने पर नेपा नगर में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। वार्ड नंबर 14 में कई लोगों को पट्टा नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं रविवार को वार्ड के लोग एकत्रित हुए और नगर में रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने पट्टे नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि अपात्र लोगों को आवासीय पट्टों का लाभ दिया गया है और पात्र लोग आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। कई बार जिम्मेदारों को इस बारे में शिकायत कर दी गई है, लेकिन किसी ने इस ओर कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों की समस्याओं को अनसुना कर दिया, जिस वजह से लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि हमें पट्टे नहीं हैं और हमें मकान की भी सुविधा नहीं है, और जैसे हमारे संडास शौचालय है वो भी आधे अधूरे पड़े हैं। तो जब तक कि हमको पट्टे नहीं मिलेंगे हम वोट का बहिष्कार करेंगे और अभी भी नहीं देंगे वोट और आने वाले चुनाव में भी वोट नहीं देंगे। बस हमें पट्टे चाहिए और कुछ नहीं। अभी उपचुनाव में क्या करूंगे आप, वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे, मेरे पट्टे ला दो। हमको पट्टे चाहिए, इसके बाद ही हम वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, वजह क्या कुछ बताई जा रही है कि हितग्राहियों को उनके पट्टे अभी तक नहीं मिले, जिसके चलते वो काफी आक्रोश में है? विजेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? फिलहाल विजेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खराबी के चलते। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर के नेपा नगर की, जहां नेपा नगर में हितग्राही काफी आक्रोश में है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने रैली निकाली। कई बार जिम्मेदारों को अवगत करा दिया गया, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। एक बार फिर रुख करते हैं अपने संवाददाता विजेंद्र का। विजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी। विजेंद्र, क्या कुछ वजह बताई जा रही है क्यों अभी तक हितग्राहियों को पट्टे नहीं दिए गए? जी, इसके पहले भी कई चुनाव आए हैं, इनको आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन कभी इनकी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बार फिर से चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, और इस बार इन्होंने मांग रखी है कि इस बार यदि हमारी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, हमको पट्टे नहीं आवंटित किए जाते हैं, सुलभ शौचालय नहीं बनाए जाते, तो हम इस बार किसी भी प्रत्याशी को अपने वार्ड में घुसने नहीं देंगे, ना उनका प्रचार होने देंगे, ना हम वोट करने वाले। तो क्या अभी तक कोई इनके सुनने वाला सामने आया है? अभी इन्होंने अपनी बातें और अपनी मांगे रखी है। जब भी इनके पास कोई प्रत्याशी जाता है तो भी देखते हैं कलेक्टर के महोदय के पास अपना एक ज्ञापन देने जाएंगे। कितने समय हो चुका है कि इस तरह से यहाँ के लोग काफी अनियमितता और परेशानी से जूझ रहे हैं? इनको वहाँ रहते हुए करीब करीब 15 से 20 वर्ष हो चुके हैं, और इनको वोट देने का तो अधिकार दे दिया है, लेकिन उनको कहते हैं कि आपको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ के निवासी नहीं हो। फिर उनको ये कहते हैं कि फिर हमें वोट देने का अधिकार कैसे देते हो आप? वोट के लिए आप राजनीति करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमारी सुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो विजेंद्र, जब जो जनप्रतिनिधि हैं वोट मांगने आते हैं कि उनको वोट दिया जाए, और ऐसे में वोट का अधिकार इन लोगों को दे रखा है, तो तब किस तरह की उन्होंने अपने मुद्दे रखते हैं? क्योंकि ये तो बहुत कॉमन से मुद्दे हैं और यही आम मुद्दे चुनाव में किसी को जीत हासिल करवा सकते हैं। अभी तक यही होता था कि इनको कोई भी प्रत्याशी होता था वो केवल इनको आश्वासन देते थे, और उस आश्वासन भर से ये लोग अपने वोट डाल देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारे पेपर पे ऑन पेपर इनको दस्तावेज चाहिए, और उसी पर उनको। तो विजेंद्र, अब जब गांव वालों की तरफ से रैली निकाली गई, रैली निकाल कर एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिम्मेदारों को कई बार अवगत करा दिया, वो अलग बात है, लेकिन अब जब मीडिया में मामला आ चुका है तो अब किस तरह का एक्शन लिया गया है जिम्मेदारों की तरफ से? जी, इस बार वो उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार से सभी लोगों ने और मीडिया बंधुओं ने भी उनका साथ दिया है, उनकी बातों को और उनकी मांगों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया है, और आगे देखते हैं अब इन पर प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि इनके लिए क्या सुविधा देते हैं। विजेंद्र, जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों ने किन किन जिम्मेदारों को अवगत करा दिया गया है, किन किन जिम्मेदारों के संज्ञान में ये मामला आ चुका है? जी, नगर अध्यक्ष राजेश जी चौहान, उनको दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय और
सांसद विजेंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जिला अध्यक्ष भाजपा मनोज लाधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, बुरहानपुर जिले के नेपा नगर का मामला है जहां के कुछ लोगों ने रैली निकाली और रैली निकालकर अपना आक्रोश व्याप्त किया। वहां उन लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों ने उनको वोट करने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन 15-20 सालों से जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वो लोग वंचित हैं। और अब उन्होंने सीधा बोला है कि अगर विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? ऐसा है कि जो हमारी सरकार तो पट्टे देने का काम लगातार कर रही है और हमने लाखों की संख्या में पट्टे भी दिए हैं, वन अधिकार पट्टे भी हम लोग लगातार बांट रहे हैं, लेकिन नेपा नगर की समस्या ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिल है उनकी उनकी लीज की जमीन है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट की लीज की जमीन पे पट्टे नहीं दिए जा सकते। उसके लिए हम लोग प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखे हैं और बहुत जल्दी वो भूमि का अधिग्रहण नगर पालिक निगम में होने वाला है, उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। जैसे हो जाएगा तत्काल हम पट्टे वितरित करेंगे और उनको भी प्रधानमंत्री आवास का फायदा दिलाएंगे। तो मनोज जी, कितना समय लग जाएगा ताकि एक बार वो लोग सुनिश्चित हो जाए कि इस दौरान तक हमारी समस्या जो है वो पूरी हो जाएगी? नहीं, हम उस कॉलोनी के सब लोग संपर्क में है और मैं खुद भी उनसे मिलने जाने वाला हूँ। जो प्रोसेस हमने शुरू की है वो सारे कागज उनको दिखाएंगे हम लोग, उनको विश्वास दिलाएंगे कि भाजपा कभी भी किसी व्यक्ति को पट्टा ही नहीं रहने देगी, मकान ही नहीं रहने देगी। हमारे मोदी जी का लक्ष्य है 2022 तक हम सारे लोगों को पक्के मकान और आपको स्वयं के भवन बना के देंगे। बिल्कुल, आपसे अपेक्षा भी वो लोग करते हैं मनोज जी। उसकी प्रक्रिया और चुनाव से पहले हम इसको इसको इनको पट्टे मिल जाए इस प्रयास करेंगे जी। तो ये कब से किया जा रहा है, इस तरह का प्रोसेस कब से चालू हो रखा है, क्योंकि ये जो समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग, 15-20 साल हो चुके हैं इस चीज को। जी 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 मैडम, इसके लिए पिछले जब 2.5 साल पहले जब राजेश चौहान नगर पालिका अध्यक्ष बने थे तभी से मिल और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट और प्रदेश सरकार के बीच में एक टाइप हो चुका है। 300 एकड़ जमीन नगर पालिका को देने के लिए वो उन्होंने अधिकृत कर दिया है, लेकिन कौन सी 300 एकड़ जमीन दी जाए उसका सीमांकन होना बाकी था, इसलिए ये समस्या आई है। बहुत सीमांकन करा दिए, ये सारी प्रक्रिया पूरी करने वाले। मनोज जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगे आपसे कि हमेशा हितग्राहियों का आरोप होता है कि जो अपात्र लोग हैं उनको आवासीय पट्टों का लाभ दिया जाता है, लेकिन जो पात्र लोग हैं वो कच्चे मकान और बहुत से अनियमितताओं के साथ रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है ना अंदरूनी में। नहीं देखिए मैडम, इसमें भ्रष्टाचार, मोदी जी ने जो पैसा दिया है भवन का मकान का वो सीधे खातों में आ रहा है, इसमें भ्रष्टाचार का विषय नहीं है। और रही पात्र अपात्र की बात, तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग मकान के लिए पैसा दे रहे हैं, लाखों की संख्या में मकान बन रहे लोगों के, इसमें कई बार कुछ प्रकार कुछ दलाली साहब के लोग भी बीच आते हैं जो एक पट्टे पे दो बार प्रयास पैसा लेने का प्रयास करते हैं। इसकी जांच भी लगातार हो रही है, इसकी शिकायत आने पर हम लोग उनको सजा भी दिला रहे हैं, उनके मकान की जो राशि डबल ली है वो रिकवरी के लिए भी हम लोग प्रचार बनाते हैं। चलिए मनोज जी, आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीर आपको बुरहानपुर की दिखा रहे हैं जहां पट्टा नहीं मिलने पर नेपा नगर में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। और अब एक बार फिर रुख करते हैं अपने संवाददाता विजेंद्र सोनवणी का। विजेंद्र, जिस तरह से हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार प्रयासरत हैं और ग्रामीणों की आवाज भी सुन रहे हैं और उनके संपर्क में भी हैं और बहुत जल्द ही इस समस्या से समाधान मिल जाएगा। आज वोटर्स मानते हैं और अपना बहिष्कार करते हैं या वोट करते हैं इस बार जी? तो फिलहाल और क्या, अभी क्या कुछ लगता है, क्योंकि जब वहाँ के लोग गए भाजपा जिला अध्यक्ष के पास, वहाँ ऑफिस में गए, कार्यालय में उनको संज्ञान में लेकर आया, तो तब क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा कि हम लगातार संपर्क में और बहुत जल्दी ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऋतु जी, अब देखते हैं कि किस कब अभी आचार संहिता लगती है और कब अपने प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं और उसके बाद में इनका रुख वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या होगा। यदि उनको आश्वासन बल से उम्मीद होती है कि इस बार उनका पट्टे आवंटित हो जाएंगे तो वो इस बार वोट करेंगे, वरना उन्होंने साफ कहा इस बार पट्टा नहीं तो वोट बिल्कुल नहीं। जी, अब बात की जाए किस किस समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं और किस तरह की अनियमितता यहाँ पर इस वार्ड में देखी जा रही है। वो उनको इसके अलावा भी जो स्वच्छता अभियान के तहत सुलभ शौचालय की जो सुविधा थी
उनको वो नहीं मिली है जो जिनको पट्टे। विजेंद्र मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अजय रघुवंशी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बुरहानपुर के नेपानगर से एक मामला सामने आया है जहां लोगों ने वोट करने का बहिष्कार कर दिया है कि वो चुनाव नहीं करेंगे, मतदान नहीं देंगे, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें 15-20 सालों से मिली नहीं रही है, कह सकते हैं कि वो वंचित हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? अजय जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक हमारी? अजय जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक हमारी? फिलहाल अजय जी से हमारा तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर की, जहां आपको बताते हैं कि ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, ग्रामीणों ने कल रैली भी निकाली थी और पट्टा नहीं मिलने पर नेपा नगर में भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। वार्ड नंबर 14 की ये तस्वीर है जहां कई लोगों को पट्टा नहीं मिलने से लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं रविवार को वार्ड के लोग एकत्रित हुए और नगर में रैली निकाली है जहां इस दौरान लोगों ने पट्टे नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि अपात्र लोगों को आवासीय पट्टों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस अजय रघुवंशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक हमारी? जी नमस्कार, नमस्कार मैडम जी। अजय जी, नेपानगर से एक मामला सामने आया है जहां लोगों में काफी आक्रोश है, उनको पट्टा भी नहीं दिया जा रहा और उनका आरोप है कि पट्टा जो अपात्र लोग हैं उनको दिया जाता है लेकिन जो पात्र लोग हैं वो इससे काफी तरह की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, क्या कुछ कहेंगे? और अब उन्होंने वोट का भी बहिष्कार कर दिया। ये बिल्कुल उन लोगों की बात सही है जी। पिछली बार दो, जब नगर पालिका के दो बार से चुनाव हुए हैं जी, दोनों चुनावों में शिवराज सिंह जी स्वयं मंच से घोषणा की, तत्कालीन और वर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने मंच से घोषणा की कि हमारा अध्यक्ष बनाइए, पट्टे हम आपको देंगे। और जिस प्रकार से वोट लेकर बरगलाकर झूठ बोलकर इन दोनों ने जनता को जो अपने छत्र से वंचित किया है, इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार शिवराज सिंह चौहान, नंद कुमार सिंह चौहान है। और हमने हमारे कांग्रेस के वहां के नेताओं ने जाकर उन लोगों से बात की है कि बहिष्कार करना लोकतंत्र के खिलाफ है, हमें बहिष्कार नहीं करना है। हमारा विधायक बनेगा, हमारी सरकार वापसी बनेगी कमलनाथ जी के, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में सबको ही, जिनके सिर पर छत नहीं है, कमलनाथ जी ने घोषणा भी की थी कि जिनके सिर पर छत नहीं है उनको हम पट्टा देंगे, तो हम इनके झूठे नहीं है। बाकी इतने बड़े नेताओं ने जब बार बार घोषणावीर जो कहा जाता है शिवराज सिंह को, ये नेपा नगर में अपने आप साबित हो रहा है। अजय जी, अगर बात की जाए, अभी हमारी मनोज लादवे जी से भी बात हुई थी, जिला अध्यक्ष भाजपा के से हैं, जो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो लगातार संपर्क में हैं लोगों के, हितग्राहियों के, और जो भी समस्या है उसका जल्दी से निजात मिल जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया सवाल कि कब तक एक्शन लेगा, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। मैडम जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे छोटे भाई को, 10 साल में आपने 2 बार वहाँ पर घोषणा की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं ने वहां पर, तत्कालीन और वर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने मंच से खड़े होकर घोषणा की सैकड़ों पब्लिक के बीच और जनता अपना अध्यक्ष बनवा लिया। तो आपको उसके बाद भी अभी भी समझ चाहिए कि 10 साल में आप जो है लोगों को झूठ बोलकर एक छत नहीं दे पा रहे छोटी सी जी। तो ये समस्या से वो लोग 15-20 सालों से जूझ रहे हैं, बीच में तो सरकार आपकी भी आई थी, इनसे हिसाब भी लेंगे और इनका हिसाब भी करेंगे जी। तो अभी क्या कुछ लगता है कि क्या कब तक एक्शन हो जाएगा? और आप चूंकि खुद जनप्रतिनिधि हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? हमने उनसे आकर, हमारे लोगों ने, हमारे वहाँ के अध्यक्ष ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष ने, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने, उन लोगों से चर्चा की है और उनको हम समझाने का यही काम कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह ये लोकतंत्र के खिलाफ ना जाए, आप तो लोकतंत्र का अपना जो अधिकार है उनको, इनको सबक सिखाए और हम इनको सबक सिखाकर, और हमारी जब सरकार बनती है, हमारा विधायक बनता है, तो हम बिल्कुल हर उस व्यक्ति को पट्टा दिलवाएंगे जो बेचारा उस पट्टे के लिए उसको आवश्यक है कि उसको पट्टा मिले, अपना सर पर छत हो। हमारे देश में आज भी जितने वंचित लोग, हम सभी को पट्टा देकर छत देने का काम हमारी सरकार करेंगे और हमारे विधायक करेंगे। अजय जी, यहाँ आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हितग्राहियों की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता है कि जो अपात्र लोग हैं उनको तो पट्टा दे दिया जाता है लेकिन जो पात्र लोग हैं उनको नहीं दिया जाता, तो क्या कुछ लगता है कि ये जो घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार एक तौर पर देखा जाता है, तो ये लूप होल कहाँ पर है? नहीं देखिए, ये तो होता ही है कि जो समर्थित होते हैं
ये लोगों ने इन्होंने नाटक किया भाजपा यू ने पिछले 15 वर्षों में। बाकी चाहे पट्टा अपात्र को मिले चाहे पट्टा पात्र को मिले, जिसके सर पर छतरी है उसको पट्टा मिलना चाहिए। जी चलिए आपका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीर आपको बुरहानपुर के दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है और ऐसे में ग्रामीण लगातार ऐलान कर चुके हैं कि अगर पट्टा नहीं तो वोट नहीं होगा। और एक बार फिर अपने संवाददाता विजेंद्र का रुख करते हैं। विजेंद्र हमारे साथ कांग्रेस से भी अजय रघुवंशी जुड़ते हैं, जिनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो भी लगातार हितग्राहियों के संपर्क में है और इस दौरान वो लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र का इस तरह से बहिष्कार नहीं करना है और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी या जैसा भी होगा आप चुनाव में कांग्रेस वो तो अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि हमारे मत में वोट दें और हम आपकी समस्या समाधान करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और अभी तक लगातार किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है किसी भी जिम्मेदार ने। यहाँ पर जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन इस बीच हमेशा आम जनता का ही नुकसान होते आया है और अब पात्र अपात्र ये सब जांच के विषय हैं, लेकिन अभी इनको पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना पड़ेगा कि इनकी मूलभूत सुविधाओं को ये सिर्फ घोषणाओं में रखेंगे आश्वासन में रखेंगे या इनका वोट का अधिकार इनको देने के बाद भी ये वोट दे सकेंगे या नहीं। बिल्कुल विजेंद्र ये सवाल मेरा आपसे भी है, अजय जी और मनोज लादवे जी से भी पूछा गया था, ये सवाल आपसे भी मैं यही करना चाहूंगी क्योंकि आपने वहां जमीनी स्तर पर बहुत बारीकी से निरीक्षण किया और जायजा लिया है, वहां लोगों से बातचीत की, जिम्मेदारों से बातचीत की। ज्यादातर देखा जाता है कि जो लोग हैं वो लगातार सिर्फ ये आरोप लगाते रहते हैं कि जो अपात्र लोग हैं अपात्र लोगों को यहां मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश सिंह चौहान नगर पालिका अध्यक्ष फोन लाइन पर जोड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरह का नेपाल नगर से मामला सामने आया, यहाँ पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया क्योंकि उन लोगों को अभी तक जो पट्टे हैं वो नहीं मिले, उनका साफ तौर पर कहना है कि पट्टे नहीं तो वोट नहीं। देखिये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जहाँ से ये लोगों ने बहिष्कार किया है चुनाव का, ये वार्ड नंबर 14 चूना भट्टा में आता है जी। हेलो जी जी जी। क्योंकि वो जो वहाँ की जमीन है वो हमारे यहाँ पर जो नेपाल लिमिटेड है स्टेट एरिया जो है स्टेट एरिया की जमीन है जी, इसलिए वो स्टेट एरिया की जमीन होने के कारण हम उनको मतलब पट्टे उनको नहीं मिल पा रहे और वो पट्टे उसके कारण हम उनको आवास योजना का लाभ नहीं दे पा रहे जी। तो वजह क्या कुछ बताई जा रही है, मतलब क्यों अभी उन लोगों का कहना है कि वहाँ शौचालय भी नहीं बने और बहुत सी मूलभूत सुविधाएं जिनसे वो लोग वंचित है। पत्र लिखा है इस बारे में जी, मुख्यमंत्री जी को मैंने भी पत्र लिखा है जी, कि जो नेपानगर में जो स्टेट एरिया है पूरे नेपानगर शहर में जो है ना पूरा एरिया जो है पूरी जो जमीन है वो स्टेट की है, मतलब नेपाल मिल की जमीन है, नेपाल लिमिटेड की जमीन है। तो नेपाल लिमिटेड की जमीन होने के कारण ना यहाँ पर कोई किसी चीज की रजिस्ट्री होती है और ना ही इसका पट्टा होता है, इसके कारण पूरे नेपानगर शहर में हम उसका लाभ नहीं दे पा रहे। तो फिलहाल के ये समस्या का समाधान कब हो जाएगा क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैंने भी चिट्ठी लिखी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसका हल निकाले और ये करीबन 40-50 साल से यहाँ पर रह रहे नेपाल नगर में, तो इनको अगर सरकार पट्टा देती है तो नगर पालिका नेपाल नगर उनको आवास योजना का लाभ देगी ऐसा। चलिए राजेश सिंह चौहान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर रुख करते हैं अपने संवाददाता विजेंद्र का। विजेंद्र हमारी अभी जिला नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात हुई, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो जमीन है अभी कहीं और अधिकृत है लेकिन जब ये नेपाल नगर की अधिकृत हो जाएगी, नेपाल नगर की जमीन कहलाई जाएगी, उसके बाद इन लोगों को पट्टा दिया जाएगा, तो ऐसे तो ये लंबा समय खिंच जाएगा कि अपनी ये जो मूलभूत सुविधा है उनसे वंचित ही रह जाएंगे ऐसे तो फिर गाँव के लोग। अगर प्रोसेस को देखा जाए मैम तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वोटिंग के पहले इनको मूलभूत सुविधा मिल पाएंगी, लेकिन अब चूंकि हम पूरी खबर पर नजर बनाए रखे हैं देखते हैं कि अब इस बार लोग वाकई में सिर्फ अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारे लगाते हैं या पट्टा नहीं तो वोट नहीं पर अमल करते हैं। चलिए विजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक तस्वीर बुरहानपुर की दिखा रहे हैं, बुरहानपुर में पट्टा नहीं मिलने पर नेपाल नगर में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वार्ड नंबर 14 में कई लोगों को पट्टा नहीं मिलने से लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं रविवार को आपको बता दें कि वार्ड के लोग एकत्रित हो गए और नगर में रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों ने पट्टे नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि अपात्र लोगों को आवासीय पट्टों का लाभ दिया जा रहा है और पात्र लोग आज भी कच्चे मकान में रहने पर मजबूर हैं।
कई बार जिम्मेदारों को अवगत करा दिया गया, जिम्मेदारों से शिकायत कर दी गई, लेकिन किसी ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी लोगों की समस्याओं को अनसुना कर दिया है। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर स्थानीय निवासी किशोर राठौर जुड़ गए हैं। किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं। बहुत समस्या से जूझ रहे हैं मैम। जी, क्या क्या कुछ समस्या है? मेन प्रॉब्लम तो यह है कि हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, 50-60 साल से। जी, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी, तो ऐसे में आपने किस किस को शिकायत करा दी, किस किस के संज्ञान में ये मामला आ चुका है? हम लोग गए थे, पहले कलेक्ट्रेट गए थे, वहाँ पे एक बार एप्लीकेशन दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर सेकंड बार और गए थे, तो हमने फिर ये सोचा कि चुनाव का बहिष्कार करें। जी, तो किशन जी, जब आप लोगों ने और आपके साथ के लोगों ने, जितने भी हितग्राही हैं, उन सब ने जब वो कहा कि अब बात पट्टा नहीं तो वोट नहीं, उसके बाद क्या कोई जिम्मेदार आपके पास आया आप लोगों को समझाने के लिए, समझाइश देकर गया? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया मैम अभी तक कि हमको कोई समझाए या कोई बात हो। तो आप लोगों ने जब शिकायत की होगी जिम्मेदारों को, तो जिम्मेदारों की तरफ से किस तरह का रवैया या आश्वासन निकल कर सामने आया? ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी फिलहाल। तो किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि अभी हमारी भाजपा और कांग्रेस दोनों लोग, दोनों की पार्टियों की तरफ से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो लोग आपके कांटेक्ट में हैं और लगातार आप लोगों को बोला जा रहा है कि हम जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसी कुछ भी बात नहीं है मैम, और ऐसा कोई बंदा कोई भी पार्टी से कोई नहीं आया यहाँ पे। जी, चलिए किशन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर बुरहानपुर की, आपको बता दें कि हमारी बात अजय रघुवंशी जिला कांग्रेस अध्यक्ष से भी हुई थी, और वहीं जिला अध्यक्ष भाजपा मनोज लादवे जी से भी हुई थी, जिन्होंने दोनों ने लगातार कहा कि हम हितग्राहियों के संपर्क में हैं और लगातार हम इस समस्या के समाधान में जुटे हुए हैं। ऐलान जिस तरह से उन लोगों ने किया है कि लोकतंत्र का बहिष्कार करेंगे, पट्टा नहीं तो वोट नहीं, उसको लेकर भी उनकी तरफ से समझाइश दी गई है कि किस तरह से आपको आगे अपने फैसलों पर अमल करना है और इस तरह का कुछ भी आपको नहीं करना है। क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे स्थानीय निवासी से बात हुई, तो स्थानीय निवासी का भी कहना है कि कई बार शिकायत तो करवा दी गई है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों की तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक नजर इधर में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए डीएनएन के साथ। नमस्कार।